हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट्स के लिए, जब वो फाइल इंटरनेशनली स्टडी करने जा रहे हैं, उनको जब फाइल अप्लाई करते हैं तो उनके एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है SOP, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे कैसे हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, और एम्बेसी का कौंसलर है वो कौन सी ऐसी चीज़ देखता है कि जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि हमें जो है वीज़ा प्रोवाइड करे। इसके बारे में ये वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सलीम ग्रेवाल। अगर आपने मेरा पेज GKTH यानी कि ग्रेवाल नॉलेज एंड ट्रैवल हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, खासकर वो जो बाहर जाना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि SOP के बारे में, कि SOP जो है वो हम कैसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमें लिखने चाहिए कि हमें वीज़ा जो है वो जो कौंसलर है वहाँ का, एम्बेसी जिस भी कंट्री को हम लिखते हैं, सपोज करते हैं हम कैनेडा में लिख रहे हैं तो जो वहाँ का कौंसलर है वो हमें जर से वीज़ा प्रोवाइड कर दे। सो इसमें जो सबसे पहले मेन पॉइंट आता है, सबसे पहले हेडिंग आती है, स्टूडेंट का नाम आता है, उसका एड्रेस आता है, देन वो कौन सी कंट्री के लिए लिख रहा है। अगर कनाडा के लिए लिख रहा है तो जो वीज़ा ऑफिसर होगा, टू द वीज़ा ऑफिसर कनाडा के लिए, हाई कमीशन ऑफ कनाडा, उनको लिखेगा ये वाला एड्रेस जो है वो हेडिंग डालेगा। इसके साथ ही उनका स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन का पहरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहरा होता है क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर जब आप एक इंप्रेसिव लाइन्स लिखते हो, इसी के बिहाफ पर जो एम्बेसी का काउंसलर होता है अपना माइंड बना लेता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। जस्ट जो स्टार्टिंग की 5 लाइन होती हैं पैराग्राफ की, उसी में वो डिसाइड करता है कि आपको ये वीज़ा देना है या नहीं देना है। सो आप जब भी SOP लिखोगे, ये वाली जो पॉइंट्स बहुत ही क्लियर रखना कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है इंप्रेसिव होनी चाहिए, क्लासी होनी चाहिए एंड यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिक होगी तभी आपको जो वीज़ा के चांसेस हैं आपके हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो इसके बाद आप जो इंट्रोडक्शन है अपना नाम लिखोगे एंड अपने स्टडी की आपकी लाइफ में वैल्यू क्या है आप ये लिखोगे, किससे आप इंस्पायर हुए हो स्टडी करने के लिए। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, किसी जो जैसे अब्दुल कलाम जी हो गए एंड काफ़ी जो स्कॉलर्स हो गए उनका नाम लिख सकते हो कि किससे आप इंस्पायर हुए हैं। ये वाली इंट्रोडक्शन की लाइन्स ही आपको वीज़ा दिलवा सकती हैं। इसके बाद आता है आपकी एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल में आपने लिखना है, अगर आपने 10th एंड प्लस 2 की है, 10th की सारी डिटेल है कि कहाँ से किए, कितनी परसेंटेज है, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है, ये वाली डिटेल आएगी। प्लस 2 की भी एज इट इज़ सेम आएगी, कौन से बोर्ड से की है आपने, कौन से ईयर में की है और कितनी परसेंटेज के साथ आपने कंप्लीट की है। इसके बाद आपके आयल्स के पॉइंट आएंगे, आयल्स के पॉइंट्स आपने कौन से ईयर में आयल्स की है एंड कितने आपके बैंड स्कोर आए हैं। अगर आपके बैंड स्कोर आपने अच्छी तरह से मेंशन करने हैं, अगर आपके 6.5 बैंड आए हैं और नॉट लेस देन 6 हैं तो ऐसे आप लिखोगे 6.5 नॉट लेस देन 6। सो ये आ गए एकेडमिक डिटेल। इसके बाद आपकी आएगा पॉइंट पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा फाइनेंशियल डिटेल का जो होगा, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, तो इसमें आपके पेरेंट्स के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो आप लिखोगे कि आपके फादर क्या करते हैं एंड उनका बिजनेस क्या है और उनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्योंकि इससे से शो होगा कि अगर आप पेरेंट्स को फाइनेंशियली साउंड करोगे, अगर आपके पेरेंट्स नहीं होंगे या ब्लड रिलेशन में कोई भी होगा वो अगर आप अच्छी तरह से लिखोगे, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप उनकी अच्छी तरह से बताओगे। एक बात ज़रूर करना है कि जो आपके अकाउंट में, आपके फादर के अकाउंट में पैसे हैं वही आपने यहाँ पर भी मेंशन करने हैं और इसको कन्वर्ट करना है कैनेडियन डॉलर में, या अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको उसको कन्वर्ट करके आपको अमाउंट बतानी है कि हमारे पास इतने पैसे हैं और हम ईजिली जो है अपनी जो पढ़ाई का खर्चा है वो ईजिली हम कैरी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सो इसके बाद आता है मेन कंपेरिजन। कंपेरिजन क्या करते हैं, कंपेरिजन में आता है कि आप जो स्टडी करने जा रहे हो वो कनाडा में क्यों स्टडी करने जा रहे हो, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे। इसमें आप इंडिया के जो भी आपको लगता है जो एरर्स हैं, जो फ्लॉज हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं इंडियन स्टडी सिस्टम में, वो आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया भी कंट्री है आप वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे, ऑस्ट्रेलिया के भी जो अगर आपके हिसाब से जो फ्लॉज एरर्स हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। न्यूजीलैंड के फ्लॉज एरर्स आप मेंशन कर सकते हो, UK के फ्लॉज एरर आप मेंशन कर सकते हो। कंपैरिजन करना है ना, तो इसमें आप कंपैरिजन करोगे कि आप इन कंट्री में क्यों नहीं जा रहे, आप कनाडा में क्यों जा रहे हो। सो इसमें लास्ट में लिखना है कनाडा आपने क्यों चूज़ किया है स्टडी के लिए, वहाँ का स्टडी सिस्टम कैसा है, वहाँ का यूनिवर्सिटी का लेवल कैसा है और वहाँ क्या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है।
सो आपने यहाँ पर कनाडा को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है कि आप कनाडा ने आपने क्यों चूज़ किया है। इसके बाद आपका जो पॉइंट्स आएंगे कि आप कौन सा, अगर कनाडा में आपने अगर कॉलेज जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो यूनिवर्सिटी की भी डिटेल आएगी कि आपने वो यूनिवर्सिटी है वो क्यों चूज़ की है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उसके प्लेसमेंट ऑर्डर क्या है। सो उसके बारे में आप कनाडा में पहले कनाडा के बारे में अच्छी बातें लिखोगे, फिर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपने चूज़ किया होगा उसके बारे में आप अच्छी बातें लिखोगे, और उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने वो वाला कोर्स जो आप ले रहे हो वो आपने क्यों चूज़ किया है। अगर आपने कॉमर्स की है ऑब्वियस बात है आप बिजनेस लाइन में जाओगे, ठीक है। अगर नॉन मेडिकल आपने की है तो ऑब्वियस बात है कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम में आप जाओगे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपने ये वाला कोर्स अगर चूज़ किया है तो वहाँ पर क्यों चूज़ किया है, इसके आगे जाके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। एंड इसके बाद आपका जो आता है मेन पॉइंट आपने बताना है कि आप स्टडी करके वापस आओगे, जब आप कनाडा से स्टडी करके उस कॉलेज से वो वाला कोर्स कंप्लीट करके वापस आप इंडिया में आओगे तो आपने वहाँ पर अपॉर्चुनिटी शो करनी है कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि एक पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप वहाँ पर स्टडी करने जाते हो तो वो ये देखते हैं कि आप स्टडी करके वापस आओगे ना कि वहाँ पर सेटल होगे। सो यहाँ पर आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं कि आप अगर बिजनेस का कोर्स करके इंडिया में आओगे तो अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, विप्रो लिख सकते हो, IBM कंपनीज हैं यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन जो कंपनीज हैं वो अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको जल्दी ग्रैब करती हैं, आपको जल्दी अपने वो कंपनी में लेती हैं। सो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसमें लिख सकते हो। इसके बाद आपने बताना है लास्ट में फैमिली टाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है गाइस, क्योंकि इसमें आपने ये वाली चीज़ बतानी है कि आप स्टडी करके ऑब्वियस बात है आप वापस ही आओगे। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस, आपके फादर का बिजनेस यहाँ पर है। अगर आप बिजनेस करके आ रहे हो, बिजनेस का कोर्स कर रहे हो, आपके फादर का बिजनेस यहाँ पर है, आप उसको फुल फ्लेज बढ़िया तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे कि आके मैं अपना फादर का बिजनेस ज्वाइन करूंगी या मैं किसी बड़ी सी कंपनी में अपनी प्लेसमेंट लगवा लूंगी। दूसरी बात कि मेरी फैमिली सारी इंडिया में है, सो ऑब्वियस बात है स्टडी करके आप इंडिया में आओगे। तीसरी बात कि आपने फाइनेंशियल साउंड का जो लिखा था फाइनेंशियल, अब देखो कि मैं फाइनेंशियल साउंड हूँ सो इसलिए मुझे बाहर रहना नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं इंडिया में वेल सेटल्ड हूँ, सो मैं इंडिया में आकर अपना काम ही करूँगी। तो इसके रिगार्डिंग आप ये वाले पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये वाला एक सैंपल मैंने तैयार किया था, ये मैंने कनाडा के लिए अप्लाई की थी और ये इसका लड़की का वीज़ा आ चुका था। अगर आपको लगता है कि मैं आपको SOP अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, आपको बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपको SOP रेडी करके दूंगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे, आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं भी हो आप वहाँ पर मैं आपको अपनी जो SOP है आपकी मैं लिख कर आपको भेज सकता हूँ, आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं आएगी, आप आराम से आपके वीज़ा के चांसेस भी आपके ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। SOP क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या हमें पॉइंट्स लिखने चाहिए और कैसे हम वीज़ा काउंसिल को इम्प्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।